मध्य प्रदेश में शांति वाहन नहीं मिला तो बुजुर्ग का शव खाट पर ढोना पड़ा। बुजुर्ग के परिजन ने एम्बुलेंस और शांति वाहन के लिए सिंगरौली के अस्पताल से संपर्क किया, लेकिन उपलब्ध नहीं हो सके। परिजन सबको खाट पर रखें और खाट को कंधे पर रखकर करीब 5 किलोमीटर तक पैदल चले। इसके बाद पुलिस ने मदद की। पुलिस ने अपनी गाड़ी में शव रखकर गांव तक पहुंचाया। मामला सिंगरौली की सरई तहसील का है। बुधवार को सीधी जिले के बेंदो गांव के रहने वाले मनमोहन सिंह उम्र 65 वर्ष अपनी बेटी के यहां झारा गांव गए थे। यहां उनकी मौत हो गई। झारा गांव सिंगरौली में ही आता है। यहां के बेंदो गांव की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। दामाद ने एम्बुलेंस या शव वाहन के लिए अस्पताल को फोन किया। अस्पताल ने शव वाहन देने से मना कर दिया। कोई और व्यवस्था ना होने पर परिजन खाट पर ही शव लेकर बेंदो गांव की ओर निकल पड़े। परिजन शव लेकर 5 किलोमीटर तक चले। इसके बाद सीधी जिला लग गया। यहां राहगीरों की नजर सब पर पड़ी। उन्होंने थाना प्रभारी को सूचना दी। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस की गाड़ी में शव रखा और परिजनों को भी बैठाया। इसके बाद उन्हें लेकर बेंदो गांव पहुंचे। थाना प्रभारी भुईमाड़ आकाश सिंह राजपूत ने बताया कि मृतक के परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए संपर्क किया था। अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस वाहन नहीं मिल सका। उसके बाद वे सबको खाट पर लेकर पैदल ही 20 किलोमीटर दूर अपने गांव निकल पड़े। हमें राहगीरों ने फोन से सूचना दी कि कुछ लोग खाट से बुजुर्ग का शव ले जा रहे हैं। उसके बाद हम मौके पर पहुंचे और वाहन से शव को मृतक के घर तक पहुंचाया। जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर बैढ़न के शव वाहन प्रभारी डॉक्टर यूके सिंह ने बताया कि जिले में तीनों ब्लॉक सिंगरौली, देवसर और चितरंगी में एक एक शव वाहन मुहैया कराए गए हैं। जरूरत पड़ने पर शव वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं। मृतक के परिजनों ने कॉल कर वाहन की मांग की थी। यहां से टीम ने बताया था कि अभी वाहन दूसरी जगह गया है, 1.5 से 2 घंटे में गाड़ी आप तक पहुंच जाएगी। इसके बाद उन्होंने गाड़ी आने का इंतजार नहीं किया, वे खुद खटिया पर शव लेकर पैदल अपने गाँव चले गए। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके जैन ने कहा कि अस्पताल में मौत होने पर या पुलिस की सूचना पर शव वाहन मुहैया कराए जाते हैं। इस मामले में मौत अस्पताल में नहीं हुई है, इस वजह से उसे शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। सिंगरौली कलेक्टर अरुण परमार ने कहा कि इस मामले में जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए और अपने शव वाहन की व्यवस्था के लिए प्रयास किया। जब उसमें देरी होते हुए दिखाई दी तो थाना भुईमाड़ की गाड़ी से उसके सबको ले जाने का प्रयास किया। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।